प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति के लिए रिफॉर्म की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है। और आज ग्लोबल फ्यूचर के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण सर्वप्रथम होना चाहिए। सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। हमने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और यह साबित किया कि सतत विकास सफल हो सकता है। हम सफलता के इस अनुभव को ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा, वाचा, कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।